महाभारत में कथा आती है कि द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरव राजकुमारों को अस्त्र शिक्षा दे रहे थे। बीच बीच में आचार्य अपने शिष्यों के हाथों की तेजी, लक्ष्य वेद, शस्त्र चालन की परीक्षा भी लिया करते थे। एक बार उन्होंने लकड़ी का एक पक्षी बनवाकर एक घने वृक्ष की ऊंची डाल पर रखवा दिया। राजकुमारों को कहा गया कि उस पक्षी के बाएं नेत्र में उन्हें बाण मारना है। सबसे बड़े राजकुमार युधिष्ठिर ने धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। इसी समय आचार्य ने उनसे पूछा, तुम क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर सहज भाव से बोले, मैं वृक्ष को, आपको तथा अपने सभी भाइयों को देख रहा हूं। आचार्य ने आज्ञा दी, तुम धनुष रख दो। युधिष्ठिर ने चुपचाप धनुष रख दिया। अब दुर्योधन उठे। बाण चढ़ाते ही आचार्य ने उनसे भी वही प्रश्न किया तो दुर्योधन ने कहा, सभी कुछ तो देख रहा हूं, इसमें पूछने की क्या बात है? उन्हें भी धनुष रख देने का आदेश हुआ। इसी प्रकार बारी बारी से सभी पांडव एवं कौरव राजकुमार उठे। सबने धनुष चढ़ाया। आचार्य ने सबसे वही प्रश्न किया। सबने लगभग एक ही उत्तर दिया। आचार्य ने सबको बिना बाण चलाए धनुष रखने की आज्ञा दे दी। सबके अंत में आचार्य की आज्ञा से अर्जुन उठे और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया। उनसे भी आचार्य ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? मैं केवल ये वृक्ष देख रहा हूं। मुझे और अपने भाइयों को तुम नहीं देख पा रहे हो? इस समय तो मैं आप में से किसी को नहीं देख रहा हूं। इस वृक्ष को तो तुम पूरा देख पा रहे होगे। नहीं गुरुदेव, पूरा वृक्ष अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो केवल वो डाल देख रहा हूं जिस पर वो पक्षी है। कितनी बड़ी है वो डाल? मुझे नहीं पता, मैं तो पक्षी को देख रहा हूं। अच्छा बताओ, पक्षी किस रंग का है? पक्षी के रंग का तो मुझे पता नहीं गुरुदेव, मुझे तो केवल उसकी बाई आंख दिखाई दे रही है और वो काले रंग की है। ठीक है, तुम ही लक्ष्य वेद कर सकते हो, बाण छोड़ो। अर्जुन के बाण छोड़ने पर पक्षी उस शाखा से नीचे गिर पड़ा। अर्जुन का छोड़ा हुआ बाण उसकी बाई आंख में गहरा चुभा हुआ था। आचार्य ने अपने शिष्यों को समझाया, जब तक लक्ष्य पर दृष्टि इतनी स्थिर न हो कि लक्ष्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ दिखे ही नहीं, तब तक लक्ष्य वेद ठीक से नहीं हो सकता। इसी तरह जीवन में जब तक लक्ष्य प्राप्ति में पूरी एकाग्रता न हो, सफलता संदिग्ध ही रहती है।